हमीरपुर लोकसभा में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है। आज सोमवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत ने नामांकन दाखिल कर दिया। गठबंधन के प्रत्याशी का दावा है कि चुनाव जीते तो वह किसानों, नौजवानों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। नामांकन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु सैनी, इंद्रेश खान पूर्व चेयरमैन, माया वाल्मीकि सपा नेता, राम प्रकाश प्रजापति, पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। देखिए, मुद्दे तो वही हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के हैं और किसानों के भी मुद्दे हैं कि जो अभी ओलावृष्टि हुई है उसकी किसानों को ना तो कोई उसका नुकसान की भरपाई हुई है और ना ही उसकी जांच पड़ताल हुई है। आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी? अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान और शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य सही सभी समस्याओं का निदान होगा। जैसे कि देखने में आ रहा है कि जो आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के कैंडिडेट है, दो बार जीत चुके हैं, तो किस चुनौती के रूप में देख रहे हैं, जैसे हिसाब से क्या समझ रहे होंगे कि आप उनसे चुनाव में फाइट करेंगे, चुनाव निकालेंगे? देखिए, विपक्ष को दो पंचवर्षीय हो गए हैं, सब जुमलेबाजी होती रही है। जो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके आज भी काम अधूरे पड़े हुए हैं और जनता भली भांति जानती है, जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता को होते हुए जनता से मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है।